हैदराबाद उन्नाव दुष्कर्म केस के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में सक्रिय हुई एंटी रोमियो स्क्वाड की बुधवार को पोल खुल गई। जानकारी के अनुसार 24 घंटे से गोविंद नगर थाने में बैठाए गए एक युवक को एंटी रोमियो टीम बुधवार को साकेत नगर रेलवे मैदान ले गई। यहां उसे पीटा गया, फिर कान पकड़कर उठक बैठक कराते हुए उसे मुर्गा बनाया गया। यहां टॉयलेट कर रहा एक अन्य युवक भी महिला सिपाहियों के कोप का शिकार हुआ है। मामले का वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। पहले आप देखिए यह वीडियो कि किस तरह से महिला पुलिस युवकों की पिटाई कर रही है। आपको बता दें कि कानपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने बीते दो दिनों से सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं युवतियों पर भद्दे कमेंट व इर्द गिर्द घूमने वाले मंचलों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इस दौरान कई मामलों में सिपाहियों द्वारा मंचलों की पिटाई के वीडियो सामने आए हैं, जिस पर पुलिस अधिकारी अपनी पीठ पीठ थपथपाते नजर आए हैं। लेकिन बुधवार को गोविंद नगर थाना इलाके में एंटी रोमियो टीम की एक कार्यवाही से पूरे पुलिस महकमे पर सवाल उठने लगे हैं। एंटी रोमियो टीम ने मंगलवार की दोपहर साकेत नगर रेलवे मैदान से सचिन नाम के एक युवक को एक लड़की के साथ बात करते हुए पकड़ा था। उसे टीम ने गोविंद नगर थाने के सुपुर्द कर दिया गया। आरोप है कि 24 घंटे से थाने पर बैठे सचिन को एंटी रोमियो टीम बुधवार को साकेत नगर रेलवे मैदान लेकर पहुंची। यहां महिला सिपाहियों ने उसे जमकर पीटा और कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। इसके बाद पिटाई का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान एक अन्य युवक को भी पकड़कर पीटा गया। वह मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचा था। सचिन ने कहा, मंगलवार को उसे पुलिस पकड़कर थाने ले गई थी। थाने से टीम बुधवार को साकेत नगर मैदान ले गई, उसके बाद बेवजह पिटाई कर दी। जब इस मामले में अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो किसी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता रवि शर्मा ने कहा कि मंचलों की पिटाई पुलिस प्रापीलान तरीके से कर रही है। पुलिस ऐसे काम से अधिकारियों को खुश कर सकती है, लेकिन समाज को अंधकार में रखने का काम कर रही है। पुलिस को इस तरह से बीच सड़क पर पिटाई करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई शोहदा छेड़छाड़ कर रहा है तो उस पर आईपीसी की धारा 294 के तहत चलान काटे। ये मानव अधिकार के नियमों का भी उल्लंघन है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।